साकू ढोल मनावना है, साकू यार मनावना है, बावे सिर दी बाजी लग जावे रे, इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। दुनिया गुशी बतिजारा गुशी। गवादर यहाँ दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह है, जहाँ बड़े बड़े जहाज भी आसानी से लंगर अंदाज हो जाते हैं, और गवादर की मछली तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। अगर मैं कसानी है तो यार चोशा मुश्तगा है आलायक को दो में सोगो भी। माशाल्लाह पूरे एशिया में यहाँ की मछली बाहसियत टेस्ट मानी जाती है और जानी जाती है, ये इंटरनेशनल सतह पर वर्ल्ड वाइड भी जाती है। इतनी ज्यादा जो है ना किस्में है ना मछलियों की, किसी के नाम जलेबी, मोगरा और पापलेट और पता नहीं मुझे तो नाम भी, जितने आमों की है ना ऐसी जो है ना मछलियों की भी है। दिस इज पाकिस्तान चाइना बिजनेस सेंटर और ये चाइनीज ने बनाया है 6 महीने के अंदर, ये पूरी जो इमारत है इन्होंने खड़ी कर दी, बेसिकली ये ट्रेडिंग पर्पस और बिजनेस के लिए बनाई गई है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और चाइनीज ही ठहर सकते हैं। गवादर जहाँ एक तरफ इतना खूबसूरत है, वहाँ लोकल्स की सेहत का भी इंतजाम बहुत अच्छे से किया गया है। This is GDA Hospital, Gwadar. ये है ग्वादरी हलवा, ये दिया है हमें अनीता ने, क्या है इसके बारे में बताया हमें। ये बेसिकली ग्वादरी हलवा, जैसे हर सिटी अपने एक अलग चीज की वजह से मशहूर होती है, जैसे हम ग्वादरी हलवा कहते हैं, और ये आप कहें कहीं भी बलोच होते हैं ना, कहीं भी दुनिया में वो इसके बगैर नहीं रह सकते। ये मुझे जेली लग रही है। भाई इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्वादर के बोट मेकिंग एरिया पे, यहाँ पर कश्तियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि इनका बेसिक जो काम है वो यही है कि मछली पकड़ के फिर उसके बाद जो है वो आगे एक्सपोर्ट करना सारी चीज़ें। मैंने अभी पूछा था किसी से कि मछलियों के सीज़न क्या होते हैं, तो उन्होंने बताया कि जिस मंथ में रे आ रहा है यानी आर आ रहा है, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सीज़न है, बाकी अपना जून जुलाई अगस्त ये इसमें मछलियाँ नहीं आती, तो फिर ये दूसरे काम कर रहे होते हैं। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स वायरल हुई थी, एंड द कैप्शन वॉज इट्स नॉट दुबई इट्स पाकिस्तान। उस वक्त तो मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा था, लेकिन जब मैंने खुद विजिट किया तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। बरे शराब मजलिसा, बरे मस्जिद तजायरे। मिरानी डैम पाकिस्तान का 4th बिगेस्ट डैम, और अगर इससे बिजली बनाई जाए तो ये अकेला डैम 117 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। इंटरेस्टिंग। सूबे बलूचिस्तान में खास तौर पर गवादर और तुर्बत में अब काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, लाइक डीसेलिनेशन प्लांट, जहां पर समंदर के पानी को मीठा बनाकर इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कैडेट कॉलेज तुर्बत में, जो कि यूएई पाकिस्तान एसोसिएशन प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा कॉलेज होने वाला है ये, और इसकी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जो है वो जून 2021 है, और यहाँ पर जिम भी होगा, पूल भी है, क्रिकेट ग्राउंड, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा कॉलेज होने वाला है, तो आई होप कि जब ये बन जाएगा फिर विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। भाई तुर्बत शहर के जो है बीचों बीच एक खजूरों का पूरा ऑर्चर्ड है, उसके बीच में है मीरी कलात। मीरी मीन्स कोई बड़ा, कलात मीन्स यहाँ पे कैसल, यानी किसी बड़े का कैसल। अभी हम वहीं जा रहे हैं, रास्ता जो है थोड़ा ख़राब है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट थोड़ा सा आप नज़रसानी करें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे असासे हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिसको प्रिजर्व करना आपकी ज़िम्मेदारी है। मीरे कलात के बाद हम पहुंचे तुर्बत यूनिवर्सिटी, और तुर्बत यूनिवर्सिटी को देखकर ना सिर्फ मुझे हैरानी हुई बल्कि खुशी भी हुई, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी किसी भी बड़े शहर की यूनिवर्सिटी से कम नहीं थी। यहाँ पे स्टूडेंट बाकायदा अच्छे तरीके से डिग्री ले रहे हैं, अच्छे तरीके से कुछ सीख रहे हैं, बाकायदा जा रहे हैं कमीशन होल्डर में, अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, मतलब एजुकेशन की सिस्टम बहुत अच्छा है तुर्बत में। तो भाई गवादर और तुर्बत तो मुझे बहुत पसंद आए, यहाँ के लैंडस्केप, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर सब बहुत अच्छा है। अब मैं जा रहा हूँ क्वेटा, तो सी यू इन क्वेटा, अल्लाह हाफिज। मदारे मनी मनी जे
डला मन भी रवा दूस्तावती मन भी रवा शाबाश कटो ना बोलो 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 चलो शाबाश कटो जल्दी 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 करो जल्दी।